नमस्कार साथियों, आप सब लालू जी के भाषण देने के अंदाज से सब वाकिफ हैं। आइए सुनते हैं लालू जी का वो भाषण जो अटल वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री होते हुए पार्लियामेंट में दिया गया था। आइए सुनते हैं। और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। जैसे लेकिन ये जो मन है, ये जो मन है मानता नहीं। आपने कहा था यही, अरे बन रीता वर्मा, अभी भी आपका स्वाभिमान जगना चाहिए। अरे तुमको डिप्टी स्पीकर भी लोग नहीं बना सके, बैठ जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लालू प्रसाद जी, हाथ पसारे जाएंगे ऊपर। बैठे बैठे। माने तीन दशा आपके 13 महीने के शासन में, मुझे अफसोस है 13 महीने के शासन में हम लोग के पुराने गुरु जौहर साहब के कपड़ा में लत्ता में, भाई रुको ना भैया सुना रुको, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देखेंगे कि हम लोग टाइट कपड़ा पहन के आते हैं, जौहर साहब का पोशाक देख लीजिए, और बिहार में जाते हैं तो फिर वहां पोशाक आप देख लीजिए, फटा यही स्थिति उनकी रह गई। अब उनका क्या दोष हो सकता है? तो आखिर इनका और उनका जो मिलन हुआ जौहर साहब का और रूमर फ्लोटिंग सेंटर का जो मिलन हुआ, तो ये बड़े सोच समझ के हुआ। तो जौहर साहब के मामले में जो भ्रष्टाचार पर सोच है, जो बताते रहे हैं हम लोग को जेल भेजवाते रहे हैं, राबड़ी देवी महिला मुख्यमंत्री जिसका मुकदमा में नाम नहीं हो, अपमान कराते रहे हैं। राबड़ी देवी मिलती है माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरे साथ में, प्रधानमंत्री जी ने माना ये बहुत गलत काम हुआ, तो मैं फिर आऊंगा। आपने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है पशुपालन स्कैम, आएगा दूध का दूध पानी का पानी, जैसे सारे बैठे हुए लोग। अब बचा कौन है इसमें, कौन बेदाग बैठा है? और मैं इन चीजों को आज कोई छेड़छाड़ कोई बात नर्स के खिलाफ मैं जाना नहीं चाहता हूं, बातें दबाई नहीं जा सकती। चाहे जितनी बातों को हम जहां भी थापर साहब के टीवी में या जहां भी हम कोई बातों को कह डालें, बात गलती नहीं है, अभिलेख भिन्नता नहीं है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने चिंता जताई और इतिहास को, अडवाणी जी गृह मंत्री जी ने गृह को खराब किया है, आपका जो गृह है उन्होंने खराब किया है, और आप मतवाले की तरह, आपका ज्यादा दोष नहीं है। मैं किसी को अपमान करने के लिए नहीं कहता हूं, मैं जन्म लिया था फुलवरिया गांव गोपालगंज में, फुलवरिया गांव में, तो हम लोग को मालूम नहीं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। तो एक गोसाई लोग एक ऐसा रखते थे पशु बैल, आंख पर मासा है, पीठ पर पैर है, बहुत छोटा नाटा है, जिसको नादिया बोलते उत्तर प्रदेश में, हम लोग अपने यहां बसहा बैल बोलते, भोला बाबा शंकर बाबा का अवतार माने बसहा। और वो जो गोसाई है कपड़ा उपड़ा उड़ा के
और हजारों चिट्ठी कौड़ी उसमें साथ के रखता, गेरुआ बस्तर पहन लेता और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं देखिए इसी रूप में रहता। वो बेचारा गरीब है, वो लेके गांव गांव घूमता, मेरे गांव चलाया मेरे पास, मेरी माँ बैठा दी कोरी के नीचे कपड़ा घर के, देखो बाबा देखवा दो मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा होगा। ये हमें अकेले नहीं, लाखों लोग जो गांव से आते उनको इन बातों की जानकारी है। अब वो गोसाई बाबा दोनों हाथ को मुट्ठी बांध के आगे करते कि इसमें नौकरी मिलेगा कि नहीं या इसमें नहीं मिलेगा, तो दोनों मुट्ठी जब आगे करता तो गोसाई बाबा बोलता बोलो भोला देखो देखो इसके हाथ में क्या लिखा है। तब बैल का स्वभाव है बसहा का कि जब मुट्ठी बढ़ाइएगा तो समझेगा कि कुछ खाने को दे रहा, तो कभी बाएं में कभी दाएं में सूंघता। आज जब वो भोला बाबा समझ जाता चेतनशील है कि हमको ठग रहा है गोसाई, तो बोलते रहता पीठ ठोकते रहता नहीं आता है सूंघने के लिए। साथियों ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसे पार्ट वन समझिए और ऐसे ही सेम कंटिन्यू देखने के लिए पार्ट टू को देखिए और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।